थोड़ा सा घर के स्टाइल दिया गया है। काफी खूबसूरत है गाइस, इधर ये अंगना टाइप पे। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदी फैमिली। तो गाइस अभी मैं हूँ डिब्रूगढ़ के सिटी में मारवाड़ी पट्टी के सामने दुर्गा पूजा और पेंडल देखने के लिए आया हूँ। तो आप सभी को दिखाने के लिए आया हूँ। तो आज की ब्लॉग बहुत सुपर होने वाली है। तो आज है 9 अक्टूबर, दुर्गा पूजा स्टार्ट है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। सभी को नंदी फैमिली यूट्यूब चैनल को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। तो गाइस सभी मैं मारवाड़ी पट्टी में हूँ और अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा की प्रतिमा और पैंडल। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस ये है मारवाड़ी पट्टी, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मुख्य द्वार का डिजाइन किया हुआ है और मेन पैंडल है वो आगे। पिछले साल यहाँ पे केदारनाथ का थीम लगाया हुआ था और इस साल ये ऐसा कुछ बना हुआ है। काफ़ी हाइट है इनका और अभी भी काम चालू है, अभी भी पैंडल के कुछ सर बन रहे हैं। तो ये देखिए एक एंट्री और एक एक्सिट का है, ऊपर झूमर भी लगाया हुआ है, कुछ ऐसा डिजाइन किया है सोलर का और ऐसा एक कुछ झूमर का डिजाइन जो लाइट जलेगी रात को। और इधर बांस को थोड़ा एकदम पतला सा छील के और कुछ पत्ते सर डिजाइन किया हुआ है, इधर भी सेम वैसे ही है। ये देखो कुछ प्लास्टिक का लग रहा है ये पत्ता वाला डिजाइन, ये सोलर का है, सोलर का पूरा डिजाइन किया हुआ है। ये देखो मैं आपको एक व्यूज दिखाता हूँ। ये मारवाड़ी पट्टी दुर्गा पूजा समिति, ये वो जो पत्ते का कटोरा नहीं होता है जो पानी पूरी खाते हैं उससे डिजाइन किया गया है। नीचे में भी है और ऊपर में भी दिया गया हुआ है और अंदर का डिजाइन कुछ ऐसा है। इसमें लाइट लगा हुआ है, रात को जलेगा तो और काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो ये दुर्गा प्रतिमा में काम चालू है। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया इस मारवाड़ी पट्टी दुर्गा पूजा समिति का। ऊपर का ऐसा कुछ तो पत्ते हैं। तो यहाँ पे रात को आने में मज़ा लगेगा और अभी भी यहाँ पे पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस दिन हो जाएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे, पिछले साल आया तो मतलब चलने का मतलब रास्ता नहीं था इतना काफ़ी ज़्यादा भीड़। और डिब्रूगढ़ में और भी पूजा हो रहे हैं तो वहाँ भी जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो कॉमेंट में ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा है। तो गतिनाशिनी दुर्गा जय जय माँ दुर्गा माँ आखिर बोलबो मने। ये भी शायद हाँ, ये भी वो तो हवा देने के लिए वो कौन सा चाकू क्या जो भी है वो उस झाड़ का वो पेड़ का है, ये जो काट के छील के पूरा बढ़िया से बना के सब डिजाइन किया हुआ है देखिए। और ये कौन सा पंछी या क्या दिया है मतलब वो आप लोग देख लीजिएगा। और वैसे भी पूजा के टाइम में आने वाला हूँ, फिर से आप लोग को दिखाने वाला हूँ डिब्रूगढ़ की तिनसुकिया की जो भी पूजा पंडल में पहले भी जाके आया हूँ, फिर से वहाँ पर आप लोग को दिखाने वाला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ थिएटर पारा माली पट्टी दुर्गा पूजा पैंडल की ओर। सुना है काफ़ी खासुक पैंडल यहाँ पे बनी है, मतलब क्या सिस्टम का बना है नहीं बना है वही देखने जा रहा हूँ आप लोग को, भी दिखाने जा रहा हूँ कि काफ़ी सुंदर गजब बनाया है गाइस। तो गाइस ये दुर्गा पूजा है थिएटर पारा माली पट्टी दुर्गा पूजा समिति। तो चलिए अंदर और अंदर जाके आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ बनाया गया है,
काफ़ी खूबसूरत है गाइस, ये देखिए ऊपर का डिज़ाइन। तो गाइस यहाँ पे संस्कृत भी लिखा हुआ है। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तांबूल का झाड़ है यानी सुपारी, कच्चा सुपारी का जो झाड़ होते हैं लंबे लंबे, उनके जो पत्ते होते हैं उससे शायद ये कट करके बनाया गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप लोग बताना अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में क्या चीज़ से बनाया है ये, मेरे को तो वही लग रहा है। तो गाइस तीसरे नंबर पे है जालुकपारा। तो ये देखिए इधर से अंदर होके जा रहे हैं और आप लोग को दिखाएंगे आगे तरफ सजावट कुछ इस तरह से हो रहा है इधर से। तो ये तीसरे नंबर पेंडल और मूर्ति आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए क्या भीड़ लगा हुआ है यहाँ का, ये भूटिया मार्केट। और पेंडल शुरू हो चुका है यहाँ से। ये रहा देखिए, ध्यान से सजाया गया है। अंदर नहीं जा सकते क्या भाई? देखिए गेहूँ धान से सजाया गया है ये पूरा, ये कुंवर है। और इधर भी ये डिजाइन किया गया है, ये तो शाम के टाइम में रात को टाइम में बाहर की तरफ सजाएंगे। लाइट भी दिया गया है। तो अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर का सीन जो है वो नहीं दिखा सकते आप लोग को, बीच में वो रखा गया है। इधर भी देखिए पंछी है लाइटिंग वाला। एलो रे एलो दुर्गा माँ, बछर घुरे आबार एलो माँ, दुर्गति नाशिनी दुर्गा माँ, जय जय माँ दुर्गा माँ। तो गाइस चौथे नंबर पेंडल है आपके ग्राम बाजार म्युनिसिपल कॉम्प का बनाया गया है यहाँ पे डिजाइन, ये देखिए। तो अभी अंदर जा रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए 150 रुपये लीटर बोल रहा है यार तुम, 150 रुपये लीटर देख ले तैयार था कि नहीं। कुछ इस तरह का अंदर का जो नज़ारा है देखने को मिल रहा है। और गाइस यहाँ पे स्पॉन्ज को छोटे छोटे काट के मोड़ मार के यहाँ पे लगाया गया है और ये काट का है। तो ऐसे ही कुछ है, स्पॉन्ज का भी है यहाँ पे। और ये शायद सेल्फी पॉइंट बनाया होगा। बाकी अंदर चलते हैं और अंदर का आप लोग को दिखाते हैं। ये देखें पे स्पॉन्स के छोटे छोटे रिंग बना के यहाँ पे चिपकाया गया है, काफ़ी लुक दे रहे हैं इस डिजाइन पे। तो देखिए और यहाँ पे है ये माँ दुर्गा की प्रतिमा, इसमें मोर का डिजाइन किया है स्पॉन्स से, देख सकते हैं इधर। ऐसे देखने से पता नहीं चलता मगर कैमरे से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। मयूर का इधर भी है, सब स्पॉन्ज से बनाया गया है। ये देखिए काट फट करके, ये तो कागज़ का जो कटोरा है इनको लगा कर, ऊपर का है ये पूरा कागज़ का। और झूमर देखिए, ओ भाई
ना जाने कितने लाख मतलब ये कटोरे कागज का जो है कटोरे है इसको लगाया गया है। इसमें कटोरा दिख रहा है आपको, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया गया है, जहाँ भी देखो वहाँ पे यही को लगाया गया है। और सेकंड में है स्पॉन्स के, जैसे कि ये मयूर बनाया गया है। फिर डिजाइन तो सबसे ज़्यादा सब ये कटोरे से ही है, देखिए बाकी जो है ये कहीं भी दिखाइए, मगर यहाँ का थीम जो है काफ़ी सुंदर है। झूमर भी काफ़ी खूबसूरत है और बाहर का ये नज़ारा कितने हज़ार स्पॉन्स को टुकड़े करके रिंग बना के इसको चिपकाया गया है, देखिए कितना टाइम लगा होगा गाइस। तो गाइस पांचवें नंबर पे है मित्र सिंह पूजा कॉमेडी, जो कि यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आगे का नज़ारा। और यहाँ पर रस्सी स्टाइल में बनाया गया है, रस्सी से शायद न क्या चीज़ का वो सामने जाके पता चलेगा। अंदर अंदर लाइट भी दिया गया है, तो सब बारीक से काट के इसको डिजाइन किया गया है। और वो जो मैं रस्सी बोला था वो रस्सी नहीं है, वो बांस का लकड़ी से मैं पतला सा काट के रस्सी का जैसा मोड़ के इसको डिजाइन किया गया है। और अंदर बल्ब भी फिटिंग कर किया हुआ है, बढ़िया बन रहे हैं। तो दुर्गा देवी की फ़ोटो और आगे इस तरफ भी लगाया गया है। और इधर से है झूमर का, अभी तक लगाया नहीं है। ये देखिए पतला सा काट के इसको रस्सी के जैसे बम्बू में बांध दिया है। और इसको थोड़ा सा घर के स्टाइल दिया गया है, वो देखिए उसमें बांस लगाया गया है। वो हमारे घर के अंगना साइड में अंगना टाइप का नहीं होता है तो वो उसे ही बनाया गया है इधर से भी इधर। तो गाइस ऐसा कुछ दिखता है, ये पीछे साइड वाला घर है, इधर ये अंगना टाइप का है, ये देखें। रात को गजब लगेगा इसमें भी, अगर लाइट जब लगाएगा, लाइट का फिटिंग कर रहे हैं लोग। बाहर साइड कुछ इस तरह दिखता है, ये देखिए पूरा की जो है पूरा घर जैसा बनाया गया। अभी घर के कुछ थीम बनाए गए हैं, अभी क्या बनाया है क्या कौन सा थीम है पता नहीं है फिलहाल। तो ये पूरा घर के जैसे लग रहे हैं, जो घर का जो गेटअप होता है इसको पूरा यहाँ पे सजाया गया है। पाँचवीं नंबर का जो दुर्गा पूजा मंडप है वो आपको दिखा चुका हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, 4 बज रहे हैं, पूजा जब शुरू होगा तब तिनसिका के और ब्लॉग आप लोग को भी दिखाएंगे और डिब्रूगढ़ भी दिखाएंगे। तो तब तक लिए फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन और नई ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।